हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ ट्यूटर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि चर और अचर आपस में मिलकर गुना करके, भाग करके, जोड़ के या घटाकर बीजीय व्यंजक बनाते हैं, और जब उसमें एक ही चर हो, एक्स हो या फिर वाई हो या फिर ए हो, तो और उसकी घात, चर की घात कैसी हो, वो वास्तविक संख्या हो, धनात्मक हो, यानी कि पूर्ण संख्या हो। अगर वो पूर्ण संख्या मतलब माइनस में नहीं है और भिन्न में भी नहीं है, तो उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, मेरे पास एक एग्जांपल है 5x^4 - 3x^2 + 1। ये हमारा क्या होगा, ये बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा ये चर है, इसकी जो घात है, ये कैसी, ये पूर्ण संख्या है। अगर ये घात पूर्ण संख्या नहीं होती, या तो माइनस में होती या फिर भिन्न में होती किसी भी तरह से, तो ये हमारा बहुपद नहीं होता। लेकिन इनकी घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद है। और इसमें सिर्फ एक ही चर है x, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एक चर वाला बहुपद कहेंगे। इस चैप्टर में हम एक चर वाला ही बहुपद के बारे में बात करेंगे। फिर मैंने बताया कि गुणांक क्या होते हैं, तो अगर इस एग्जाम्पल में मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक वो संख्या होती है जिसकी एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होती है, तो वो है हमारा -3। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, -3। एक्स की घात 4 का गुणांक क्या होगा, 5। तो जो उसके साथ अचर गुना में होता है, वही उसका गुणांक होता है, कोफिशियंट होता है। फिर मैंने बताया था कि घात क्या होती है, तो जो हमारा बहुपद है, इसे हम किससे दिखाते हैं, या तो पी एक्स से, या जी एक्स से, या फिर आर एक्स से, इस तरह से हम बहुपद को दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। इसमें जो हमारा चर होता है, और जो चर की सबसे बड़ी जो पार होती है, घात होती है, वही उस बहुपद की घात होती है। जैसे इस बहुपद में हमारा एक्स चर है और उसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, इसीलिए इस बहुपद की जो घात होगी वो 4 होगी। ये सब हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो पदों के आधार पर, टर्म्स जो होती है उसके आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। ठीक है, पदों के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन है, एक होते हैं हमारे एकपदी, मोनोमियल्स इसे हम कहते हैं, द्विपद बायनोमियल्स होते हैं, त्रिपद ट्राइनोमियल्स होते हैं, और घातों के आधार पर होते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इसके अलावा दो हमारे बहुपद होते हैं, एक अचर होते हैं कॉन्स्टेंट, और दूसरे शून्य बहुपद होते हैं 0। अब मैं इन्हें क्या एक एक करके आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुपद के जो प्रकार है किसके आधार पर, पदों के आधार पर, इसे हम एक एक कर समझते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर मैंने बताया ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है हमारा एकपदी। एकपदी बहुपद कौन से होते हैं जिसमें केवल एक ही पद होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं लिखूं 3x^4, ये मेरा क्या है, सिर्फ इसमें एक ही पद है, और ये एक ही पद का क्या है, बहुपद है। इसमें हमारा x क्या है, चर है, और उसकी घात क्या है, वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, या फिर मैं लिखूं 5x, तो ये भी हमारा क्या है, एकपदी बहुपद है। या फिर मैं ऐसी कोई संख्या लिखूं 7, ये भी मेरा क्या होगा, एकपदी बहुपद होगा। अब इसमें ये 7 तो है, लेकिन इसमें हमारा कोई चर नहीं है, तो चर कैसे लिख सकते हैं हम, x^0, क्योंकि x^0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की 7 में गुणा करेंगे 7, तो 7 हो या फिर हमारा ये हो, तो वो क्या होगा, हमारा एकपदी बहुपद होगा। इसे हम अलग से भी क्लासिफाई करते हैं अपने जो अचर पद होते हैं, अचर बहुपद होते हैं उसमें, वो मैं आपको बताऊंगी दोबारा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एकपदी बहुपद वो बहुपद होते हैं जिसमें केवल एक ही पद होता है। ठीक है, इस तरह के आपके बहुत सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं लिखूं 16y^3, ये भी एकपदी बहुपद होगा, या मैं लिखूं 19t^5 या 4, तो ये भी एक ही पद का बहुपद होगा। ठीक है, चर और अचर आपस में मिल रहे हैं, गुणा करके एक पद बना रहे हैं, और जो हमारा चर है उसकी जो पावर है, पूर्ण संख्या है, उसे हम एकपदी बहुपद कहते हैं। दूसरा है हमारा द्विपद बहुपद। ठीक है, यानी कि जिसमें दो पद हो। जैसे एग्जाम्पल मैं लिखूं 8x^3 - 4,
तो इसमें दो पद है, एक पद ये है और दूसरा ये है, तो ये क्या होगा हमारा द्विपदी बहुपद होगा। या मैं लिखूं 5t-1, तो ये क्या है हमारा, इसमें भी दो पद है तो ये भी द्विपद होगा। या इसका कोई और एग्जांपल, जैसे मैं लिखूं 6a² + 2a, तो ये भी हमारा क्या होगा द्विपद होगा, इसमें हमारा चल क्या है a है, ठीक है। इसमें हमें पावर नहीं देखनी, जो हमारा चर है उसकी पावर नहीं देखनी, पावर में सिर्फ हमें इतना देखना है कि जो भी पावर है वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें हमें पद देखने हैं, टर्म्स देखनी है, जैसे इसमें सिर्फ एक एक पद है, इसमें दो दो पद हैं, ठीक है, तो ये एक पद होगा और ये द्विपद होगा। त्रिपद, त्रि मतलब तीन, तो ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद हो उसे हम त्रिपद कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल x² - 5 - 3x + 6, तो इसमें हमारे क्या हो गए, तीन पद हो गए। अगर ऐसे कोई कांस्टेंट है तो उसका मतलब होता है x^0 उसके साथ गुणा में, ठीक है। या फिर x^2 + x - 1, इसमें भी तीन पद है, तो ये होगा हमारा त्रिपद। तो बच्चों अगर आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें आपसे कहे कि आप पहचानो कि एक पद ही बहुपद है, द्विपद है या त्रिपद है, तो आप उसके सिर्फ आपको उसके पद जो टर्म्स होती है उसे काउंट करना है, उसे गिनना है, और आप उसे बता सकते हैं कि एक पद का है, दो पद का है, तीन पद का है। और इसके अलावा सिर्फ आपको ये देखना है कि वो बहुपद है या नहीं है। वो आप कैसे देखेंगे, उसकी पावर को देख के, उसकी घात को देख के। उसकी घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना वो माइनस में हो, ना वो फ्रैक्शन में हो, ना वो भिन्न में हो। तो अगर ऐसा है कि उसकी घात हो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, लेकिन पूर्ण हो, ठीक है, और उसमें पद आप काउंट करके बता सकते हैं कि वो एक पद का है, द्विपद का या त्रिपद का। अब इसके अलावा मैंने बताया आपको अचर पद, अचर कांस्टेंट होते हैं, अचर बहुपद होते हैं, कांस्टेंट बहुपद, तो वो कौन से होते हैं, जैसे मैंने लिखा 7, तो ये अचर होगा, ठीक है। इसका मतलब मैं इसके साथ लिख सकती हूँ x^0, लेकिन मान तो उसका 7 ही होगा। या मैं लिखूं -10, ये कितनी भी बड़ी आप संख्या लिख लो, मतलब कोई भी आप कांस्टेंट लिख लो, तो वो कैसा होता है, जो कांस्टेंट संख्या होती है वो हमारा अचर बहुपद होता है। इसका मतलब ये होता है उसमें एक की गुना हुई है, यानी कि अगर हम किसी उसके साथ कोई चर हम गुना में लेंगे तो हम x^0 या फिर 10 × a^0 या y^0 हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं उसे। और सबसे आसान जो हमारा होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है बच्चों, जो शून्य होता है सिर्फ जीरो, जीरो को हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। ये हमने पदों के आधार पर बताया आपको, ये मैंने दो आपको अलग से बताया, अचर बहुपद और शून्य बहुपद। अब बात करते हैं हम जो हमारे पावर होती है, घात होती है, उसके आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों घात के आधार पर जो हमारे बहुपद होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलीनोमियल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इनमें हम देखते हैं जो घात है वो कितनी है, है ना, पावर जो है वो कितनी है बहुपद की। जैसे मेरे पास कोई बहुपद है 2x + 3, तो हमारा ये चर है और चर की पावर 1 है, 1 जो कि पूर्ण संख्या है यानी कि ये बहुपद है। और जब हमारा जो चर है उसकी सिर्फ एक ही पावर हो तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसमें हमें पद नहीं देखने हैं, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि लिखा हो आपके पास 5x, ठीक है, तो ये भी क्या होगा हमारा रैखिक बहुपद होगा। या मेरे पास लिखा हो सकता है 5x + 3x + 1, तो ये भी क्या होगा हमारे पास रैखिक बहुपद होगा। इसे हम प्लस करके भी लिख सकते हैं 8x + 1, तो ये तो क्या है, ये हमारा एक चर वाला है। अगर दो चर में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5x + 3y + 1, तो ये दो चर वाला रैखिक बहुपद होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है कि रैखिक बहुपद क्या होता है हमारा, जिसमें एक चर वाले बहुपद में रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें जो हमारा चर होता है एक ही होता है और उसकी घात भी एक ही होती है। तो ये इसे हम क्या कह सकते हैं, रैखिक बहुपद कह सकते हैं। ये हमारा इस तरह का, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ऐसे होती है ax + b, ठीक है, ax + b, जहाँ a कभी भी जीरो नहीं हो सकता, b तो जीरो हो सकता है। देखो इस एग्जाम्पल में b क्या है हमारा, जीरो, और इसके साथ हम अगर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये तो जीरो हो सकता है, लेकिन x के साथ जो कोफिशियंट है, गुणांक है, वो जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो होगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा, तो जो हमारा चर है वही खत्म हो जाएगा। तो चर ही नहीं है तो हम उसकी पावर को कैसे देखेंगे, फिर हम कैसे बताएंगे कि ये रैखिक है या नहीं है, हम रैखिक है या द्विघात है, त्रिघात है, तो हम कैसे बताते हैं, घात देखकर, पावर देखकर बताते हैं उसे। तो इसमें जो हमारा चर है वो एक है, तो ये एक
चरवाला बहुपद है और उसकी घात भी एक है, इसीलिए ही रैखिक बहुपद है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये, ठीक है। द्विघात बहुपद जिसमें क्या हो, दो घात हो। अगर मैं लिखूं 2x² + 3x + 1, तो ये हमारा एक ही चर है x, और x की कितनी घात है, 2। जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है हमारी, 2। ये इस रूप में होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं ax + bx + c। और यहाँ भी a हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a किसका कोफिशियंट है, किसका गुणांक है, x² का। और x² से तो हम बता पा रहे हैं कि ये जो है हमारा कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें 2 घात है। द्विघात बहुपद जब बहुपद में जो चर है हमारा उसकी अधिकतम 2 घात हो, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अच्छा, ये भी 0 हो सकता है, मतलब ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, और 2x² + 1 करूँ ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर मैं सिर्फ ये लिखूँ 5x² - 2, ये भी द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल हो सकता है। इसमें सिर्फ हमारा क्या a, जो हमसे पूछा है x, यहाँ पर रैखिक है तो हम सिर्फ x का घात देखेंगे, तो उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात में हम x² का गुणांक देखेंगे तो वो 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद जैसे मैं लिखूं x 5x³ - 2x² + x + 6, तो इसमें हमारा एक ही चर है x, और x की सबसे बड़ी घात है वो क्या है हमारी, 3 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसमें इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगी, ax³ + bx² + cx + d। तो इसमें भी a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a किसका कोफिशियंट है, किसका गुणांक है, x³ का। और x³ को देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये बहुपद हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है। आपको समझ में आया होगा, जो हमारा पहला टाइप था जो हमने पदों के आधार पर देखा था, तो उसमें हमने पद गिने थे कि एक पद हो, दो पद हो, तीन पद हो। इसमें हम देखेंगे कि घात, जो हमारा चर है उसकी घात कितनी है, जो बड़ी घात है वो कितनी है। तो अगर बड़ी घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद है, अगर बड़ी घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद है, अगर बड़ी घात 3 है तो वो त्रिघात बहुपद है। इससे ज़्यादा भी जो घात वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे जनरली बहुपद के नाम से उनको जानते हैं, लेकिन मेन क्लासिफिकेशन हमारा ये 3 तरह का होता है। इसे मैं और आपको एक एग्जाम्पल करा देती हूँ बच्चों। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरह से कि आपसे कुछ एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कि निम्नलिखित बहुपद किस प्रकार के बहुपद है, घात के आधार पर, जो हमने अभी 3 टाइप पढ़े हैं उसके आधार पर आपको बताना है कि ये किस किस के एग्जाम्पल है, किस तरह के ये बहुपद है। अब ये हमारा पहला एग्जाम्पल है x² + 3x + 1। यहाँ पे ये हमारे क्या है, एक चर वाला बहुपद है, और हमारा चर क्या है, x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो ये कैसा बहुपद होगा, ये द्विघात बहुपद होगा, ठीक है, हमें घात के अनुसार बताना है। तो ये कैसा होगा, द्विघात बहुपद। दूसरा देखते हैं हम, ये भी हमारा क्या चर है, इसमें x है और x की जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, तो ये क्या होगा हमारा, त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। इसे देखते हैं, यहाँ पे हमारा चर y है, एक ही चर है y है, y की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 2 है, ये 4 है यहाँ पे, यानी कि y² = 0 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें ये कैसा बहुपद होगा, y² = 2 है, तो ये होगा द्विघात बहुपद। ऐसे देखो, इस एग्जाम्पल में हमारा x चर है और x की जो घात है वो 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल में पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार का बहुपद होगा। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, निम्नलिखित किस प्रकार के बहुपद हैं पदों के अनुसार। अब हमें घात के अनुसार नहीं बताना, बल्कि कैसे बताना, पद जो टर्म्स होते हैं उनके अनुसार बताना है कि ये किस प्रकार के बहुपद है। तो हम पद में क्या करते हैं, इस तरह के बहुपद में हम पदों को काउंट करते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसमें कितने पद है, 1 पद है, तो ये कैसा होगा, एक पदी होगा, ठीक है, बस एक ही पद है इसमें, तो ये एक पदी बहुपद होगा। अब इसमें ये एक पद है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये होगा त्रिपद। ये कैसा बहुपद है, त्रिपद बहुपद है, ठीक है। इसमें कितने पद है, ये 1 और ये 2, यानी कि ये होगा हमारे पास द्विपद बहुपद। अब इसकी बात करते हैं, ये कैसा हमारे पास, ये अचर है, कॉन्स्टेंट है,
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 गुना x की पावर 0, ठीक है। इसका मान क्या होता है, एक ही होता है, यानी कि गुना करने पर हमारे 15 ही आएगा। मैंने आपको दो और बहुपद बताए थे, एक था अचर बहुपद, दूसरा था शून्य बहुपद। शून्य मतलब जो जीरो है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा जो टाइप है वो है अचर बहुपद का। तो बच्चों आपको ये बहुपद के जो प्रकार है समझ में आए होंगे, आप एग्जाम्पल में देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सा बहुपद, हम इसे किस नाम से मतलब पहचान सकते हैं, या ये बहुपद इसको हम क्या कहेंगे, दूसरे बहुपद को हम क्या कहेंगे। पदों के अनुसार पूछा है तो आप पद टर्म्स काउंट करेंगे, और पावर के अनुसार पूछा है तो आप उसकी घात जो होती है पावर उसको काउंट करके बता सकते हो। बच्चों अब हम बात करते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बहुपद की, वो क्या होती है, मानक रूप जिसे हम कहते हैं। अगर हमारे पास जो बहुपद है, हम एक ही चर वाले बहुपद की बात कर रहे हैं, एक चर में हमारे पास बहुपद है, लेकिन हम उसको घात, अगर हमारे पास ऐसा बहुपद है जिसकी केवल एक ही घात है, तो उसका जो मानक रूप है वो क्या होगा, वो होगा ए एक्स प्लस बी। इस रूप में अगर हमारे पास कोई बहुपद है तो वो एक घात वाला होगा, और इसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ये इसका मानक रूप है। और यहाँ पे ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर हमारे पास दो घात है तो वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ भी हमारा ए जो है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर घात तीन हो तो वो होगा ए एक्स की पावर तीन प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ भी ए जो है वो जीरो नहीं होगा। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है बहुपद का, जब हमारी घात एक दो तीन हो। इसी तरह से और ज्यादा घात का भी हम निकाल सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी घात क्या हो, एन हो। तो अगर किसी बहुपद की घात एन है तो उसका मानक रूप हम कैसे लिख सकते हैं, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, इस तरह से हम इसको लिखते चले जाएंगे प्लस करके, और लास्ट में ए वन एक्स प्लस ए जीरो। और यहाँ पे भी जो हमारा ए एन होगा, जो ये फर्स्ट वाला जो हमारा, इसके साथ जो इसका गुणांक होगा वो जीरो नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि जो हमारे बहुपद होता है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक रूप होती है, वो क्या होती है, वो ये होती है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे n है वो डिपेंड क्या करता है, जो भी हमारी घात होगी उस पे। तो ये क्या है, a0 जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस इस तरह से करके प्लस ए एन एक्स की पावर n, ये हमारे बहुपद का मानक रूप होता है। यहाँ पे a की पावर जीरो यानी कि x की पावर में क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, जो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, ये सारे जो an है, ये क्या है हमारे, ये गुणांक है, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ये गुणांक है, जो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की पावर तीन एक्स की पावर एन के साथ है, ये हमारे सारे क्या होंगे, गुणांक होंगे, ठीक है। और ये पूर्ण संख्या होंगी, गुणांक होंगे प्लस ये हमारी पूर्ण संख्या होगी। और जो हमारे बहुपद होते हैं उन्हें हम किससे दिखाते हैं, पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स से दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, पी एक्स बराबर हम, अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया हुआ है जैसे 2x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 1, तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो बहुपद होते हैं हमारे, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा, दो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के हमने पढ़े, और घात के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल देख के बता सकते हैं कि कौन सा बहुपद किस प्रकार का है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो बहुपद होते हैं उनका हम मान कैसे निकाल सकते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक शून्य निकालना, जो जीरो जो होती है उसे हम कैसे निकालते हैं बहुपद की। आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।